हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगर की पोस्ट में इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरनल लिंकिंग है वो ऑन पेज एसईओ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप इंटरनल लिंकिंग नहीं करते तो इससे आपके ब्लॉग को बहुत सारे नुकसान होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या फायदे होंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरनल लिंकिंग के फायदे क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं अपनी किसी पोस्ट के अंदर, क्योंकि जो इंटरनल लिंकिंग होती है जब भी आप कोई पोस्ट पब्लिश करते हो उससे पहले होती है, या फिर आपने पोस्ट पब्लिश कर दी है ऑलरेडी, जो पुरानी पोस्ट है आप उनमें भी इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो। कैसे करनी है वो हम आगे बात करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। लेकिन किसी भी चीज को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसे कर क्यों रहे हैं, जिससे आप उस चीज को और अच्छे से कर सको। तो इंटरनल लिंकिंग करने का सबसे पहला फायदा क्या है, सपोज करो कोई आप पोस्ट लिख रहे हो जिसका नाम है टॉप 10 मोबाइल्स अंडर 10,000। आपने वो पूरा आर्टिकल लिख दिया, अगर आप उसमें इंटरनल लिंकिंग करते हो तो वो होती क्या है कि आप उसमें अपने ब्लॉग की अदर जो पोस्ट है जो इससे मिलती जुलती होंगी उनके लिंक, तो जैसे कि आप इसमें डाल सकते हो टॉप 10 मोबाइल्स अंडर 8,000, टॉप 10 मोबाइल्स अंडर 12,000, बेस्ट मोबाइल अंडर, बेस्ट मोबाइल विद 4GB रैम। तो इस तरह से आप एक ही पोस्ट के अंदर काफी सारे लिंक्स डाल देते हो, तो उससे क्या होता है, अगर गलती से आपकी 100 आपने आर्टिकल लिखे और 100 में से 10 आर्टिकल आपके गूगल में रैंक हो गए, अब उन आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आ रहा है और उसके अंदर आपने अपनी कुछ पोस्ट की इंटरनल लिंकिंग करी हुई है, तो जो पढ़ने वाले लोग होंगे 100 में से 50 लोग आपकी उन पोस्ट को विजिट करेंगे, जिससे आपके पेज व्यूज बढ़ेंगे और अर्निंग भी बढ़ेगी। तो ये फायदा होता है इंटरनल लिंकिंग करने का। और साथ में एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है कि अगर आपकी जो पोस्ट रैंक होगी उस पोस्ट के अंदर आपने सपोज 6 पोस्ट का इंटरनल लिंकिंग किया, यानी लिंक दिया है, तो गूगल के अंदर वो भी कहीं ना कहीं रैंक करने लग जाएंगे। यानी एक पोस्ट रैंक होने से आपकी 7-8 पोस्ट जो आपने लिंक करी होंगी वो भी गूगल में रैंक होंगी। लेकिन इंटरनल लिंकिंग करने का एक तरीका होता है, किस तरीके से करनी चाहिए जिससे वो आपको फायदा देगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि ब्लॉग में इंटरनल लिंकिंग कैसे करी जाती है। तो फ्रेंड्स, इंटरनल लिंकिंग करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से पोस्ट लिखी हुई है काफ़ी सारी, तो मैं आपको इन्हीं की इंटरनल लिंकिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन जब आप कोई न्यू पोस्ट लिखोगे और कोई पुरानी पोस्ट है उसमें इंटरनल लिंकिंग करनी है, तो दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी एक पुरानी पोस्ट खोल लेता हूँ। यहाँ पर एक पोस्ट है 4 बेस्ट फोन अंडर 6,000, तो इसमें इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो कैसे करनी है, सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, या तो बीच में या लास्ट में एक जगह में करनी है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यहाँ पर बीच में, या फिर देखिए मैंने यहाँ पर करी हुई है और पढ़ें। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीड मोर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, यू मे ऑल्सो लाइक, ये सब चीज़ें चलती हैं, आप इंग्लिश हिंदी कैसे भी लिख सकते हो। आपको एंटर कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए लिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पे, ये वाली बुलेट लिस्ट, इसको क्लिक कर लेना है। अब आपको अपने ब्लॉगर की जो पोस्ट हैं, जैसे कि मोबाइल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको और पोस्ट खोलनी है जो कि आपकी रिलेटेड पोस्ट होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ, यहाँ पर है 6,000 mAh बैटरी मोबाइल। तो हमें करना क्या है, इसका जो टाइटल है यानी जो कीवर्ड वाला टाइटल होगा, ये कीवर्ड वाला टाइटल है मेरा 6,000 mAh बैटरी मोबाइल, ठीक है, ये कीवर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। फिर उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से इसके ये जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे। अब दोबारा वहाँ पर जाएंगे और जो इसका लिंक है, या तो आप इस पोस्ट को ओपन कर सकते हो और यहाँ से इसका लिंक को कॉपी कर सकते हो, लेकिन इससे आपके खुद के पेज व्यूज़ बढ़ेंगे कि आप खुद देख रहे हो, तो इससे बेटर है जो आई का यहाँ पे बटन आ रहा है इस पर राइट क्लिक करें और कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक कर लें, या फिर पोस्ट खोलकर डायरेक्टली लिंक को कॉपी कर लें, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर पेस्ट कर दें, उसके बाद ओपन दिस लिंक इन ए न्यू विंडो पे क्लिक करें। इस वाले पर क्लिक ना करें, एड REL इक्वल टू नो फॉलो, इसका मतलब है कि आप खुद गूगल को बोल दोगे कि मेरा जो ये वाला लिंक है इसको रैंक मत करो, इसलिए सेकंड वाले बटन पे क्लिक यहाँ पे ना करें और अप्लाई पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे एक हमारी जो पोस्ट है वो इंटरलिंक हो गई, एंटर करना है इसी तरह,
और कोई और जो पोस्ट हो जो आपको लगता हो अच्छी है, इससे रिलेटेड है, वो यहाँ पे डाल देने। जैसे कि यहाँ पे BEST3 MI मोबाइल अंडर 10,000, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे बी पे क्लिक करके। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ मैं आई बटन पे राइट क्लिक करूँगा, लिंक उठाऊँगा। आप डायरेक्टली भी उठा सकते हो ओपन करके, और यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे और ओपन दिस लिंक इन ए न्यू टैब पे क्लिक कर देंगे। और इस तरह से आपको कम से कम एक आर्टिकल अंदर 4 से 5 अपनी जो पोस्ट का लिंक देना है। अगर ये पोस्ट मेरी 4 BEST फोन अंडर 6,000 अगर एक गूगल में रैंक होती है, तो ऑटोमेटिकली मैं जितनी पोस्ट यहाँ पे इंटर्न लिंक करूंगा वो भी गूगल में रैंक होंगी, और जितने लोग इसको पढ़ने आएंगे इस आर्टिकल को, वो इन पोस्ट को भी पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है सारे पढ़ें, लेकिन मैंने आपको बोला 100 में से 50 लोग आपके पोस्ट को पढ़ेंगे, पेज व्यूज बढ़ेंगे, अर्निंग बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप ब्लॉग की जो इंटरनल लिंकिंग है वो की जाती है, सेम वर्डप्रेस के अंदर होता है, सेम ब्लॉगर के अंदर होता है। उसके बाद आप इसे अपडेट कर दें, पब्लिश कर दें, और आपका काम खत्म। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से अपनी पुरानी पोस्ट को भी अपडेट करोगे, उसमें अपनी अदर पोस्ट का लिंक डालोगे, इंटरनल लिंकिंग करोगे, तो आपके पूरे ब्लॉग की जो रैंकिंग है वो गूगल में अच्छी हो जाएगी, और जबकि पुरानी पोस्ट है वो भी काफी रैंक करने लगेंगी नई पोस्ट की वजह से, क्योंकि आप उन्हें न्यू पोस्ट में लिंक कर रहे हो। तो इस तरीके से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो। अगर आपका ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन अर्निंग और टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।